यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अक्सर कई सवाल खड़े होते रहते हैं। कई बार अस्पतालों में मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता तो कई बार खुद अस्पताल ही बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में नई तस्वीर यूपी के चंदौली स्थित दरबेशपुर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से सामने आई है, जहां खुद फिलहाल लोगों का उपचार करने वाली डिस्पेंसरी को ही उपचार की जरूरत है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जिसे देखकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर यूपी के उस उत्तम प्रदेश की डिस्पेंसरी की है, जहां सरकार और अधिकारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन धरातल पर उसके परिणाम उनके विपरीत ही होते हैं। डिस्पेंसरी के हालात बद से बदतर हैं। यहां उपचार के नाम पर डॉक्टर तो है लेकिन अन्य संसाधन नहीं है। पानी की टंकी तो है लेकिन लोगों के लिए पीने तक का पानी नहीं है। बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, लिहाजा खुद स्वास्थ्य कर्मी को ही डिस्पेंसरी की साफ सफाई करनी पड़ती है। और तो और डिस्पेंसरी की बिल्डिंग भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। बावजूद इसके अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। डिस्पेंसरी की अधिकारी स्नेहा पाल के अनुसार कई बार डिस्पेंसरी के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन हर बार बजट ना होने का जवाब मिलता है, जिसके चलते डिस्पेंसरी के हालात बेहद अफसोसजनक हैं। हमें यहाँ पे काम करने में ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे सर ना तो लाइट है, ना ही तो पानी है, ना तो वॉशरूम है। मैं एक लेडीज हूँ, मेरा ड्यूटी जैसे यहाँ रहता है, तो मैं सुबह से अगर सुबह मैं यहाँ पे 9 से हम लोग का 4 ड्यूटी रहता है, 9 से 4 अगर एक महिला यहाँ पे ड्यूटी करेगी तो आप बताइए सर, बगल में मंदिर है, इधर तालाब है, एक महिला कहाँ जाएगी वॉशरूम के लिए। और सर बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा ही पुरानी हुई है। विभाग में मैंने 2 बार लेटर लिख के दिया है पर उधर से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। विभाग भी बोलता है जब सर बजट होगा तो करवाएंगे सर। और ये हम लोग का जो जैस के माध्यम से अनटाइड फंड का जो भी होता है अकाउंट, तो वो दरबेशपुर और दाऊदपुर, जो उसके सर बगल वाला गाँव दाऊदपुर है, वहाँ पर सर वो ऑन पोर्टल नहीं है, ये सेंटर ऑन पोर्टल, तो इसी में सर कुछ है, इस वजह से मेरा अकाउंट में बजट भी नहीं आ पा रहा। वहीं जब नमन सत्य न्यूज संवाददाता ने सीएमओ को डिस्पेंसरी के हालातों से अवगत कराया, तो सीएमओ ने तत्काल ही मामले में संबंधित अधिकारी को डिस्पेंसरी निरीक्षण के आदेश दिए हैं। हमने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए वहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हमने ये अवगत कराया है कि वो अविलंब वहाँ जाकर और स्वयं देखे कि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो क्यों ऐसी हैं और तत्काल उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमने उनको सूचित किया है, वो अभी अपनी टीम को लेकर जा भी रहे हैं दरबेशपुर, और मैं स्वयं भी कल सुबह मैं दरबेशपुर स्वयं जाऊंगा और जहाँ की अगर स्थिति वहाँ पर अगर जो भी होगी मैं खुद अवलोकन करूँगा और स्थिति को अविलंब बढ़िया से बढ़िया हालत में किया जाएगा, ताकि वहाँ के आम जनता को हेल्थ वेलनेस सेंटर का पूरा लाभ मिल सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या अभी भी सीएमओ साहब की नींद टूटती है या फिर यूं ही निरीक्षण आदेश के नाम पर मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चंदौली से नमन सत्य न्यूज के लिए धर्मेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट।